गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? एंड गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन. आई एम आल्सो फाइन बेटा. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. टुडे वी विल नो सम सेफ्टी. मैम गुड मॉर्निंग. ओके, आज सभी लोग कुछ सेफ्टी मेजर्स है, कुछ सुरक्षा के कुछ उपाय हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं. मैं आपको हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं. ओपन करिए पेज. यस माइक ऑफ. मैम आपके बाद ओके बेटा, चलिए ओपन करिए बुक. सभी लोग ओपन कर लिए हैं? यस मैम. ये आधा सेटा माइक ऑन करके आप रीडिंग करिए. आज आपको रीड करना है. यहाँ पे मैम एड्रेस रीड करें. एम बी सेफ एल एम. हेमंत आपको बोला नहीं गया माइक ऑन करने के लिए, बाबा माइक ऑन करते हो. मैम एड्रेस रीड करें. नो बेटा, बी सेफ. बी सेफ मीन्स होता है सुरक्षित रहना. यहाँ पे कुछ उपाय हैं जिसके हम यहाँ पे रीड करेंगे कि कौन से उपाय के द्वारा हम सुरक्षित रह सकते हैं, ऐसे क्या तरीके हम अपना सकते हैं कि सुरक्षित रह सके. आई एम बी सेफ. मैं मधुमक्खी बहुत ही सुरक्षित हूँ. यहाँ पे मधुमक्खी आपसे बोल रही है. बी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी होता है. आपसे बता रही है कि हम मैं बहुत ही सुरक्षित हूँ. आई एम हियर टू टेल यू अबाउट सम सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन व्हेन यू आर एट होम और एट स्कूल. मैं आप सभी को आज कुछ सेफ्टी उपाय के बारे में, सुरक्षित उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको अपना के आप अपने घर पे और अपने स्कूल में सुरक्षित रह सकते हो. यहाँ पे कुछ उपाय हैं जिसको अपना के आप लोग सुरक्षित रह सकते हैं. सेफ्टी मेजर्स कीप अस सेफ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर्स. जो यहाँ पे सेफ्टी उपाय हैं जिसका उपयोग करके हम खतरे से बच सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं. चलिए देखिए आपको क्या बता रही है यहाँ पे, कौन कौन से सेफ्टी रूल यहाँ पे राइट है. फर्स्ट यहाँ पे राइट है, डू नॉट स्टेप इनटू द लिफ्ट अलोन, यू मे गेट स्टक. डू नॉट स्टेप इनटू द लिफ्ट अलोन. लिफ्ट में आपको अकेले ही कदम नहीं रखना चाहिए क्योंकि वहां पे आप फंस सकते हो. लिफ्ट आपने देखा कि नहीं, कभी किसने लिफ्ट में? ओके मैम, हमने देखा है लिफ्ट. मैम चला भी है. लिफ्ट में बैठना हो, वहाँ पे जाना, तो अपने आप अकेले मत जाओ, ठीक है? नहीं तो वहाँ पे आप फंस सकते हो. यस मैम. देन ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स व्हेन यू गो आउट टू प्ले. अगर आपको बाहर खेलने जाना है, कभी भी आपको बाहर खेलने जाना है, तो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको अवश्य बताना चाहिए कि हम खेलने जा रहे हैं बाहर, ठीक है? नहीं तो आपको ढूंढते रहेंगे, आप खेलने चले जाओगे तो. चलिए बताइए कितने लोग बता के जाते हैं, प्ले करने जाते हैं बाहर? तो आराध्या माइक ऑन करिए. मैम हम. क्या आप खेलने जाते हो बाहर अपने दोस्तों के साथ, तो क्या अपने पेरेंट्स को? यस मैम, हम भी कर जाते हैं. मैम बता के जाते होंगे. ऑफ माय प्रॉमिस. देन सेकेंड आपका क्या है, नेवर टेल, सॉरी नेवर टॉक इन स्ट्रेंजर्स और एक्सेप्ट डिटेल्स फ्रॉम देम. कभी भी किसी अजनबी के साथ बात नहीं करना चाहिए. जिसे आप ना जानते उसको अजनबी बोलते हैं. ओके, जिसके बारे में आपको पता नहीं, आपने उसको देखा नहीं है कभी, तो ऐसे व्यक्ति से आपको बात नहीं करना चाहिए बिना उसके बारे में जानकारी लिए. और कोई भी चीज वो खाने को दे उसको भी नहीं खाना चाहिए. ओके आर्यन सही से बैठो. तो अभी किसी कभी भी आपको कोई असंभव व्यक्ति दिखे, आपके घर पे आए, आपके घर पे कोई नहीं है, तो आप उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहिए. इसके बारे में पहले आप जानकारी लो कौन है, फिर आप उससे बातें करो. कुछ भी खाने को दे वो तो आपको नहीं खाना है, ठीक है? कहीं भी आपको मिलता है कोई असंभव व्यक्ति, चाहे स्कूल में या कहीं घर पे या कहीं आप घूमने गए हो वहां पे कोई मिलता है असंभव व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हो, कभी आपने उसको देखा भी नहीं है, तो कुछ भी खाने को दे आपको नहीं खाना है. कि खा लेते हो आप लोग? No, नहीं खाते.
नहीं खाना चाहिए ओके, लेकिन मैं भूल गई हूँ वहाँ पे कोई आपको कुछ दे रहा था, आपको नहीं खाना ठीक है बेटा। हाँ हाँ सभी लोग नहीं खाते, पता है आप सभी लोग नहीं खाते हो। डन आई बी चेक बिफोर यू ओपन द डोर व्हेन यू आर अलोन इन एट होम, ऑलवेज मींस हमेशा, आपको हमेशा चेक, जब अभी कभी भी आपको दरवाजा ओपन करना है, आप घर में अकेले हो, आप घर में कोई नहीं है, कभी सब लोग कहीं बाहर गए हैं, आप ही घर में हो, तो कोई आपके बाहर आया है, दरवाजे के पास खड़ा है, दरवाजा ओपन करवा रहा है, तो आप दरवाजा ओपन करते हो, तो बिना देखे दरवाजा मत ओपन करो ठीक है, बिना उसके बारे में जानकारी लिए। देखिए राइट है, ऑलवेज चेक, पहले आपको चेक करना है कि कौन है दरवाजे पर, ऑलवेज चेक बिफोर यू ओपन द डोर, वेट। तो जब भी आपको दरवाजा ओपन करना है, कोई आपके घर पे नहीं है, कोई आया है बाहरी व्यक्ति, तो आपको बिना उसके बारे में जानकारी किए बिना दरवाजा नहीं ओपन करना चाहिए ठीक है। आदर्श, आदर्श सिंह आवाज जा रही है बेटा आपको, ओके। देन आपका है मेमोराइज, मेमोराइज योर पेरेंट्स फोन नंबर्स एंड कॉल देम व्हेन यू आर इन डेंजर, आपको अपने पेरेंट्स के नंबर को याद करना चाहिए ओके, सभी को अपने पेरेंट्स का नंबर याद रखना चाहिए कि कभी भी आपको कोई खतरा हो, कहीं आप खतरे में पड़ गए हो, तो इससे कि आप अपने पेरेंट्स को फोन कर सको ठीक है, इसलिए आपको अपने पेरेंट्स का नंबर याद रखना है। फादर का नंबर मालूम है मैम, अंकल का ओके मैम, मुझे मैम ग्रैंडफादर का नंबर, फादर का लगना है मैम, मैंने मदर का नंबर सुना है, नहीं तुम नंबर सुनाना नहीं है बेटा, आपको लर्न करके रखना, हम सुन नहीं रहे हैं नंबर आपको आपसे, तो आप याद रखो नंबर, कहीं भी आपको कोई खतरा हो तो आप ताकि फोन कर सको अपने पेरेंट्स के पास ठीक है, जिसको नहीं लर्न होगा लर्न कर लेंगे, क्योंकि आप अभी बड़े हो गए हो, आप छोटे नहीं हो, आपको लर्न हो जाएगा आसानी से नंबर ठीक है। ममता बीरू, अगर आप लोगों को नहीं लर्न हो तो लर्न कर लेना अपने पेरेंट्स का नंबर, मैम मुझे लर्न है, हाँ पता है लर्न है ठीक है, लर्न है अच्छी बात, मुझे भी लर्न है ओके, आपको भी सभी, अब तो सभी को लर्न रहता है नंबर अपने पेरेंट्स का। देन आगे देखते हैं हम लोग, स्टे क्लोज टू योर क्लासमेट्स व्हेन यू गो आउट ऑन अ स्कूल पिकनिक, स्टे मींस होता है ठहरना या रुकना, तो आपको हमेशा अपने क्लासमेट मींस होता है सहपाठी जो आपके साथ पढ़ते हैं ठीक है, वेट ओके। तो कहीं भी आप पिकनिक पर गए हो, स्कूल पिकनिक साथ कभी जाता है, स्कूल पिकनिक पे आप गए हो तो अभी आपको अपने क्लासमेट के पास ही रुकना चाहिए, कहीं भगना नहीं चाहिए ठीक है, सबको साथ में ही रहना चाहिए, पिकनिक पे आप कभी घूमने जाओ तो अपने क्लासमेट के साथ ही रहो ठीक है, स्टे क्लोज टू योर क्लासमेट, आपको हमेशा अपने क्लासमेट के पास ही रहना है, रुकना है। व्हेन यू गो आउट ऑन अ स्कूल पिकनिक, यदि आप स्कूल से पिकनिक पर घूमने जा रहे हो तो आपको क्लासमेट के साथ ही रहना, आपके सहपाठी के साथ ही रहना है ठीक है। सभी को आया समझ में? Then, एक और बचा है अभी, शेयर विथ योर पेरेंट्स व्हेन यू फील अनकंफर्टेबल और स्केयर्ड, अगर आपको असुविधा होती है, किसी भी चीज की असुविधा है आपको, या आपको डर लग रहा है किसी भी चीज का, तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ उस बात को शेयर करना चाहिए ठीक है, कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो या आपको डर लग रहा हो, किसी से भी डर लग रहा हो, कोई बात हो आपके मन में, तो आपको अपने पेरेंट्स से बताना चाहिए ठीक है। यस मैम, तो इतना आप सभी को सभी उपाय को करना है ओके, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं फिर आगे हम लोग देखेंगे। डू नॉट स्टेप इन टू द लिफ्ट एलोन, यू मे गेट स्टेप, अगर आपको लिफ्ट में जाना है, आप लिफ्ट में पैर रखते हो तो आपको अकेले नहीं जाना है, किसी को साथ ले जाना है, अगर नहीं तो वहां पे आप फंस सकते हो ठीक है, स्टिक वहां पे लिफ्ट में आप फंस सकते हो, कभी कभी लाइट गायब हो जाती है तो बंद हो जाता है, वहीं पे आप फंसे रहोगे फिर ओके, तो इसलिए कोई साथ रहेगा तो आपकी हेल्प कर सकेगा। देन ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स व्हेन यू गो आउट टू प्ले, अगर आपको बाहर खेलने जाना है तो हमेशा आपको अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, सूचना इसकी देनी है कि मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ,
बिना बताए आपको बाहर घूमने नहीं जाना है. देन नेवर टॉक स्ट्रेंजर्स एंड एक्सेप्ट ए टेबल फ्रॉम देम. कभी भी आपको किसी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना है, और जो भी कुछ खाने को दे वो तो आपको उसको नहीं खाना है. कोई भी हो सकता है, आपको खतरा भी उससे हो सकता है. ओके, इसलिए आप जो भी खाने को दे आपको नहीं खाना है बिना उसके बारे में जानकारी किए. ऑलवेज चेक बिफोर यू ओपन द डोर व्हेन यू आर अलोन एट होम. अगर आप घर पे अकेले हो, कोई आप बाहर आया है दरवाजे के पास, तो अगर आपको दरवाजा ओपन करना है तो बिना चेक किए आपको दरवाजा नहीं खोलना है कि बाहर कौन है. ठीक है. देन मेमोराइज योर पेरेंट्स फोन नंबर. आपको अपने पेरेंट्स का फोन नंबर याद रखना है. एंड कॉल देम व्हेन यू आर इन डेंजर. अगर आप खतरे में हो. मुझे याद है. कितनी बार बोलोगे बेटा? तो अगर आपको कोई खतरा हो तो आपको अपने पेरेंट्स का नंबर याद रखना, जिससे कि आप पेरेंट्स के पास कॉल कर सको, उनको बता सको मैं खतरे में हूँ. स्टे क्लोज टू योर क्लासमेट्स व्हेन यू गो आउट ऑन ए स्कूल पिकनिक. अगर आप स्कूल पिकनिक पर जा रहे हो तो अपने क्लासमेट के साथ ही आपको रहना चाहिए, कहीं भागना नहीं चाहिए. शेयर विथ योर पेरेंट्स व्हेन यू फील अनकंफर्टेबल और स्केयर्ड. अगर आपको असुविधा महसूस हो रही है या आपको डर लग रहा है किसी भी चीज का, तो उसे आपको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए उस बात को. सभी को आ गया समझ में? यस मैम. तो यहाँ पे जितने भी सेफ्टी मेसर्ज हैं, आप सभी इसको लर्न कर लेंगे. ठीक है. ओके बेटा, चलिए आगे. आपका बचा क्या है अभी? ग्रेट. अब यहाँ पे देखिए रिकैप एंड रिवीजन है. आपको यहाँ पे चैप्टर 10 से लेके चैप्टर 13 तक का जो आपने अभी लर्न किया, जो भी रीड किया, उसे आपको सॉल्व करना. यहाँ पे आपका टेस्ट है ये 10 से लेके 13 चैप्टर तक का. तो इसे अभी हम बाद में करवाएंगे, पहले आप रीडिंग कर लो. सभी लोग यहाँ पे चीज को करवाते हैं. चलिए बेटा रीड करिए. पहले अमित रीड करेंगे. यहाँ से बेटा रीडिंग करिए. माइक ऑन करिए अमित. मैम इफ आई एम बी सेफ, यस सेफ आई एम हियर टू टेल यू अबाउट अबाउट. दिव्यांशु बेटा वीडियो ऑन करिए. आदर्श वर्मा वीडियो ऑन करिए. आदर्श सिंह वीडियो ऑन करिए बेटा. सेफ्टी मेजर्स टू बी बातें नहीं, कौन बात कर रहा है? चलिए बेटा आप रीड करिए. हाँ रीड करो. अबाउट सोम सेफ्टी मैम आई एम रेडी करें. सेफ्टी मेजर्स मेजर्स टू बी टेकन व्हेन यू आर एट होम और एट स्कूल. सेफ्टी मेजर्स कीप अस सेफ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर. ओके स्टॉप बेटा. चलिए बेटा आदर्श आप रीड करिए. माइक ऑन करिए. आपका दोबारा वीडियो ही ऑफ हो जाता है. चलिए यहाँ से रीड करिए. डू नॉट स्टेप.
नहीं आवाज आ रही है आपको? चलिए कोई बात नहीं। आदर्श गुप्ता, मैम आदर्श गुप्ता रीड करें। यस चलिए रीड करिए। मैम यहाँ से, यहाँ से डू नॉट स्टेप इनटू द लिफ्ट अलोन। मैम डू नॉट स्टेप इन स्टेप नहीं स्टेप मिस कदम रखना स्टेप इनटू द लिफ्ट अलोन यू मेक गेट स्टक मिस होता अटकना फंस जाना। यस मैम अलोन अलोन फॉर नो ऑलवेज इनफॉर्म इनफॉर्म अलोन इनफॉर्म यू अलोन नहीं ऑलवेज एक बात कहते सुनते नहीं हो ऑलवेज ऑलवेज इनफॉर्म योर पेरेंट्स पेरेंट्स व्हेन यू गो आउट टू प्ले। मैम क्या लिखा है? व्हेन When you go, you out to play. Stop बेटा, चलिए बेटा आप read करिए। Never tell of. सुनेंगे नहीं। Okay, आदर्श नहीं बेटा आवाज जा रही है। मैं कौन करी? यार read करूँ। चलिए बेटा यहाँ पे read करिए। यहाँ से Never talk to strangers. Yes ma'am. Man never. आदर्श बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है। माइक ऑन करिए, म्यूट बात करो। चलिए बेटा अपडेट करिए, बोलेंगे नीचे। ओके आ रहे बेटा, माइक ऑन करिए, रीड करिए आप। मैम नेवर टॉक टू रीड करें। मैम नेवर नेवर नहीं है, लिसन नेवर नहीं राइट है, नेवर नेवर टॉक टू स्ट्रेंज और स्ट्रेंज नहीं स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मींस अजनबी के साथ। मैम ये क्या लिखा है? एक्सेप्ट मींस स्वीकार करना, एक्सेप्ट। मैम एक्सेप्ट इटेबल फ्रॉम इटेबल फ्रॉम टेबल। ओके चलिए बेटा आप रीड करिए। अनुष्का जायसवाल माइक ऑन रखिए। यस मैम। चलिए रीड करिए। मैम कहा मैम नेवर टेक फोन एक नहीं है बेटा टॉक, एक बात तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो कि जो हमने इसको रीड कर दिया अभी टॉक है टेक नहीं। मैम टू फ्रॉम देम सौम्या। चलिए बेटा रीड करिए सौम्या, माइक ऑन रखिए। क्या रहे यहाँ पे? नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स। मैम कौन सा है पार्ट? मैम फोर। हाँ बेटा। मैम कहाँ से? पहले दिख नहीं रहे आपको स्क्रीन पे, कहाँ पे देख रहे हो आप? मैम नेवर टॉक टू सी आर एन जी एंजल और मैम ये क्या है? एक्सेप्ट इटेबल्स। मैम कहाँ है? इटेबल्स बेटा, इटेबल्स भी टेबल्स फॉर टेबल इटेबल्स फॉर देम। आई बी चेक अलार्म चिक बिफोर यू ओपन द डोर व्हेन यू आर अलोन एट होम। आगे मैम ये क्या राइट है?
memorize memorize your parent phone number and call them when you are in danger. Okay beta, aage stay. Stay. Mom. Haan, bolo. Mom, excuse me. Yes, beta. Your... Mom, अब मेरी आवाज जा रही है. हाँ बेटा आवाज. मैम अब मेरी आवाज जा रही है. हाँ बेटा आवाज आ रही है. मैम हम ऑन आवर स्कूल पिकनिक. मैम हम रीड करें. रीड करिए. स्टार्ट रीड करना. यहाँ से. यस मैम. I am here to tell you about some safety rules to be taking when you are at home or at school. Safety measures and protection. As for dangers, do not step into to lift alone. You may get. बेटा ओके ठीक है चलिए माइक ऑफ रखिए. अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैप एंड रिवीजन. देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं इसे आप लोग कंप्लीट करके अभी सेंड करना ठीक है. यहाँ पे लिखिए सर्कल द करेक्ट आंसर्स आंसर फ्रॉम आप दीज. हाँ बेटा मैम एक्सक्यूज मी. हाँ दस बोलो. मैम प्रताप सिंह का मैम मैम ईबीएस बुक भी मैम पेज नंबर 61 मैम नो हुआ है. वेट चैप्टर आगे का होगा. आपका चैप्टर कौन सा है मैम? मैम 61 चैप्टर 12 है मैम. बुक बी में चैप्टर 11 मैम. बुक बी पेज नंबर 61 मैम. यस मैम मैम ऊपर लिखा है मैम यूजफुल प्लांट्स. हाँ बेटा मिला हमें देखा हमने बुक में. Write 6 things we get from plant. ये तो राइट है. यस मैम. यहाँ पे आपको लिखना बेटा कि हमें प्लांट से कौन कौन सी चीजें मिलती हैं. तो आपको पता होगा प्लांट से क्या क्या मिलता है. यस मैम. क्या क्या मिलता प्लांट से? फूड मिलता है. मैम वी गेट. हाँ बेटा. प्लांट शेल्टर्स. हाँ शेल्टर मिलता है. मैम शेल्टर्स. मैम फूड हो गया. फूड फ्रूट्स हो गया. फूड हो गया. फूड हो गया. लकड़ियां मिलती हैं. ऊड मिलते हैं. सेडमिस छाया बीच में बोले. कौन बोला बीच में? मैम 93 मैम मेरा ना हुआ है. एक लोगों को बता रहे हैं अभी ना. आप बाद में पूछना अभी. यस आदर्श बेटा यहाँ पे नोट करिए आप. फूड शेल्टर फ्रूट्स सैड कॉटन मेडिसिन. ओके नोट कर लेंगे. यस मैम. जी आगे देखिए सेकंड में आपको क्या करना है. फिल द ब्लैंक्स. यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है. प्लांट गिव अस. प्लांट हमें क्या देता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नोट किया? आदर्श. यस मैम. 62 हुआ है कि नहीं? मैम हुआ है. चलिए आगे हम लोग आज देखते हैं. अब पूछिए क्या पूछना आदर्श गुप्ता. मैम मेरा 60 नहीं मैम 60 पेज नंबर 9 हुआ है. कौन सी बुक में? मैम बुक है 60 पेज नंबर. यस मैम. मैम एक्सक्यूज मी. हाँ बेटा. मैम 64 मेरा नो कंप्लीट हुआ. सारे एक लोग पूछ रहे हैं वन बाय वन. ऐसे बोलोगे किसको बताएंगे किसको नहीं बताएंगे. चलिए बेटा 60 पेज नंबर पे हम ओपन किए हैं. यहाँ पे राइट है हेल्दी फूड हैबिट्स. बस आदर्श गुप्ता मैम. क्या? यस मैम.
मैम स्कूल में मैम पेन हाँ बोलो मैम क्वेश्चन टू मैम मैम 61 पेज का मैम क्वेश्चन टू मैम मेरा नो कंप्लीट हुआ है बुक बी का यस मैम अभी तो वही बता रहे थे क्वेश्चन वन ही तो मैम क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू में क्या बेटा तो इजी है यहाँ पे आपको फिल करना देखिए बुक भी दो टाइम भी होने वाला है 61 पेज नंबर देखिए यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स लिखा हुआ है ना आदर्श फिल द ब्लैंक्स आपको फिल करना है यहाँ पे राइट है प्लांट्स गिव अस प्लांट्स हमें क्या देता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक कॉलम में फ्रूट्स लिखा एक कॉलम में वेजिटेबल्स लिखोगे और कुछ दूसरा पेज भी yes, ma'am. ट्री गिव अस टू मेक फर्नीचर फर्नीचर बनाने के लिए ट्री हमें क्या देता है वुड देता है लकड़ी यहाँ पे वुड फिल करेंगे देन बेटा जिसका नहीं हुआ है आप लोगों को मंडे को स्कूल आना ही है ना पूछ लेना ओके परेशान मत हो आदर्श साथ नहीं आएंगे इनको बता दे रहे हैं यहाँ पे लेकिन आप लोग मंडे को आओगे ना तो मंडे को आप लोग को बता दीजिए क्या हुआ होगा अभी परेशान मत हो चलिए आदर्श बेटा आप आगे नोट करिए प्लांट गिव शेल्टर टू एनिमल्स एनिमल को शेल्टर देते हैं शरण देते हैं यहाँ पे शेल्टर फिल करना को बता दीजिए आदर्श गुप्ता को बताएंगे मंडे को आएंगे स्कूल में तब आप साथ रहिए आप अब किसी को नहीं बताएंगे कुछ भी अब स्कूल में आना पूछना होगा बेटा हुआ डन की नहीं अभी आदर्श मैम डी में कॉटन प्लांट के पास कॉटन कॉटन देखा मैम फिर बोला बीच में मैम हाँ सौम्या मैम मेरा बुक मैम मेरा बुक भी सी मैम मेरा बुक बेटा हमने कहा एक बार ना आप लोगों को जो भी छुट्टा होगा स्कूल में आना बताया जाएगा अभी कोई नहीं पूछेगा कुछ भी नहीं बताएंगे किसी को आप मंडे को स्कूल आना जो भी छुट्टा होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा अब कोई सुनती नहीं है बात कहने का सौम्या ओके बेटा आदर्श यहाँ पे ई में प्लांट्स के पास कूल सेड एंड फूड यहाँ पे रॉन्ग फील किए हैं हम क्या फील करना है कौन सा बेटा वेट 11 चलिए बेटा नोट करिए यहाँ पे सेड एंड फूड एक में सेड एस एच ए डी ई सेड सही है एक में फूड ई वाले में सेट एंड फूड चलिए आगे देखते हैं आज का होमवर्क क्या है वो बात हो गई रिकैप में देखो बुक भी ना बुक रिकैप में देखिए ओपन करिए इसे आपको करके सेंड करना है बुके में अरे जो भी ओपन पढ़ रहे थे वहीं पे है बेटा आवाज जा रही सभी को चलिए देखिए आज का होमवर्क क्या है सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम ईच ऑफ दीज यहाँ पे देखिए सभी में आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है यहाँ पे राइट है द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इज वाटर का मेन स्रोत क्या है ओशियन सी रेन पॉन्ड तो आप सभी को पता होगा कि मुख्य स्रोत क्या होता है वाटर का क्या बेटा मुख्य स्रोत मैम रेन रेन वेरी गुड तो रेन मैम रेन हाँ बेटा रेन को टिक कर लेना द शेप ऑफ अ फुल मून इज जो फुल मून होता है उसका शेप कैसे दिखता है ओवल शेप में ट्रायंगल शेप होता है कि स्क्वायर शेप या राउंड शेप किस शेप में होता है फुल मून मैम राउंड मैम मैम राउंड ओके बेटा राउंड 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 हाँ राउंड द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट होल्ड्स द प्लांट फर्मली टू द सॉइल इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि
प्लांट को मजबूती के साथ मिट्टी के अंदर पकड़े रहता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ओके, रैबिट स्लिप इन अ, रैबिट कहाँ पर आता है? मेम्ब्रो. द यंग ऑफ अ हॉर्स इज कॉल्ड अ, हॉर्स के यंग को क्या बोलते हैं? फोल. 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 ठीक है, अब आप लोग इसको टिक कर लेंगे. नेक्स्ट है ना प्लांट्स, यहाँ पे आपको फिल करना है. वाटर इन ओशियन एंड सी इज, ओशियन एंड सी का वाटर कैसा होता है बताइए. नमकीन. साल्टी नमकीन होता है. आगे बी सी मेनी इन द नाइट स्काई, नाइट स्काई में हमें स्काई में क्या दिखाई देता है? ढेर सारे क्या दिखते हैं? इज अ यंग अनडेवलप्ड फ्लावर, जो बिना खिला हुआ फ्लावर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? बड बोलते हैं. बड, बड नहीं बड. एनिमल्स दैट लिव इन आवर होम्स आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स जो कि हमारे घर पर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रहता है केवल पेट एनिमल. गुड, यहाँ पे पेट्स राइट करेंगे, डॉग नहीं. क्योंकि पेट्स डॉग भी हो सकता है, काउ भी हो सकती है, कैट भी हो सकती है. सीप की बात, सीप हमें क्या देता है? सभी को पता होगा सीप क्या देता है? मून. आप सभी को फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर सेंड करना है. आपकी जो बचा हुआ है इसको हम करवा देंगे फ्राइडे को, अभी टर्न है ना उसका, ईवीएस का रहेगा तो करवा देंगे. ओके, इतना आपको आज सेंड करना है. अभी मैम अगर गीता के फोन में मैम चार्जिंग नहीं है. हाँ ठीक है, सेशन एंड करते हैं, टाइम हो गया है. चार्जिंग नहीं तो क्या हुआ, आप लीव कर सकते हो, आप कुछ नहीं पढ़ाएंगे, हो गया आज का. मैम 1% है. मैम गुड बाय. मैम गुड बाय. गुड बाय. मैम गुड बाय. गुड बाय. गुड बाय.